हेलो गाइस, सो सेकंड ईयर का आपको सेकंड ईयर का क्या है, फर्स्ट पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे फर्स्ट पेपर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पेपर में हमारा जो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो आपको लॉन्ग में भी मिल जाएगा, शॉर्ट में भी मिल जाएगा, कैटरैक्ट मीन्स मोतियाबिंद क्या होता है, उसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है, एंड सिनाइल कैटरेक्ट क्या है, एक्वाइड कैटरेक्ट क्या है, तो इन सब के बारे में आपको फुली एक्सप्लेन करना है। एंड सेकंड आपका जो है वो ग्लैकोमा, ग्लैकोमा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ग्लैकोमा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, इसका आप जो मैं आपको जो क्वेश्चन बता रही हूँ उनका पूरा पूरा आप याद करके जाइए। आपको ये 5 में भी मिल सकता है, 10 में भी मिल सकता है, एंड 20 मार्क्स में भी मिल सकता है। एक आपका कैटरेक्ट हो गया, ग्लैकोमा हो गया, कॉर्निया हो गया, एंड आपका कंजक्टाइवा हो गया, और आपका रेटना हो गया। तो ये जो हमारे पाँच से छः टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कंफर्म मिलेंगे, 100% आपको क्वेश्चन इनका मिल जाएगा। आईलिड्स भी आपका मस्ट है, आईलिड्स भी मिल जाएगा, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। पहला था हमारा कैटरेक्ट, और हमारा रेटिनल डिजीज़, कॉर्नियल डिजीज़, कंजक्टाइवल डिजीज़, आईलिड डिजीज़। तो ये सारा आप अच्छे से तैयार करके जाइए। बाकी आपका कुछ ये विट्रस एक्वस, विट्रस वाला नहीं आने का, आपका यूवेल ट्रैकिंग के बारे में नहीं पूछते हैं इतना। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा डिजीज़ में, इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इंस्ट्रूमेंट में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्ट्रूमेंट में, तो सबसे ज़्यादा जो मस्ट है आपका वो AR रिफ्रैक्ट, सबसे ज़्यादा जो मस्ट है वो आपका है स्लिट लैम्प। स्लिट लैम्प आपसे पूछेंगे, एंड आपका टोनोमीटर मस्ट है, गोनियोस्कोप मस्ट है गाइस, एंड हुरवी लेंस के बारे में नहीं होगा रिफ्रैक्ट, और आपका रेटनोस्कोप मस्ट है। इसमें रेटनोस्कोप, कॉर्नियल लूप, रेटनोस्कोप, करेटोमीटर, AR। तो रेटनोस्कोप और आपका स्लिट लैम्प तो बहुत ज़्यादा मस्ट है, एंड टोनोमीटर। इनको आप लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज़ से, लॉन्ग आंसर के पर्पज़ से क्या है प्रिपेयर करके जाइएगा। आपको मे बी लॉन्ग में तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड शॉर्ट में भी आपको मिल सकता है। तो शॉर्ट को कैसे मेंशन करना है, शॉर्ट को आपको मेंशन करने का बेस्ट तरीका उसके बारे में फुली डिस्क्राइब करना है। आपको अगर आपको कुछ याद नहीं हो उसके बारे में ज़्यादा, तो डायग्राम मेंशन कर दीजिए, उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपको अच्छे से याद हो उसके बारे में, पता हो, तो आप उसको एक्सप्लेन करिएगा। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में बिट डायग्राम आपको फुली एक्सप्लेन करना है, 4 से 5 पेज का, जिससे कि आपका 20 मार्क्स में एटलीस्ट आपको 80-90 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर में आपका और क्या क्या पूछ सकते हैं। आपका सबसे हिस्ट्री पूछ सकते हैं, मस्ट है। टर्म्स आपका जरूर आएंगे गाइस, अलग अलग इंडिविजुअल भी टर्म पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, एंड 20 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। दूसरा ऑफ्थैल्मिक लेंस मटेरियल, जो हमारा लेंस जो बनते हैं, ऑफ्थैल्मिक लेंस जो बनते हैं, लाइक उसका किस मटेरियल से बनते हैं। सो स्टूडेंट, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये आपको 20 मार्क्स में एग्जाम में मिल जाएगा। इसको सभी स्टूडेंट इसको टिक कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा ऑफ्थैल्मिक ब्लैंक मैग्नीफैक्चरिंग ग्लास प्लास्टिक, सो ये कैसे होता है, एंड मैग्नीफैक्चरिंग के बारे में पूछ सकते हैं। लेंस डिफेक्ट, ऑफ्थैल्मिक लेंस डिज़ाइन, ऑफ्थैल्मिक लेंस अगर डिफेक्ट होता है तो उसको कैसे एंड डिज़ाइन कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेम मटेरियल के बारे में पूछ सकते हैं, एंड IOP IPD के और VD IPD मींस इंट्रा पुपुलरी डिस्टेंस एंड वॉर्टेक डिस्टेंस, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्या है क्लिनिकल वेस में, ऑप्टिकल वेस में डेली यूज़, या फिर हम डेली जो पेशेंट के साथ एक तरह से डील करते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो ये अच्छे से इसको आपको तैयार करके जाना है। स्पेक्टिकल इंटॉलरेंस, लाइक जो हम चश्मा जो बनता है अगर वो टॉलरेट नहीं हो रहा है, देन उसके बारे में अच्छे से आप स्टडी करके जाइए। एंड स्पेशल टाइप ऑफ स्पेक्टिकल्स, ये आपका बहुत मस्ट है। दूसरा लो विजन एड कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन एड कॉन्टैक्ट लेंस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफिकेशन बाई लेंसेस, ये भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। एंड अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी
ऑफ्थैल्मोलॉजी, लाइक पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी ऑफ्थैल्मोलॉजी में आपका कौन कौन सा मस्ट है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल इम्यूनलाइजेशन प्रोग्राम एंड ब्लाइंडनेस। तो ये काफ़ी लॉन्ग है, इसमें आपका VI, विजन 2020, ब्लाइंडनेस सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत मस्ट हैं एंड आप इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो ये था हमारा सेकेंड पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो आपको मिलेंगे, अच्छे से इनको रेडी करके जाइएगा। सो थैंक यू सो मच।